स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे प्रोफेशंस, है ना। प्रोफेशन पढ़े थे हमने, तो मैंने बताया कि प्रोफेशन क्या होता है, कोई भी जॉब या कोई भी वर्क जिसके लिए हमें पे किया जाए। आज हम पढ़ेंगे हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स का सेक्शन। सो ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन पेज नंबर 38 ऑफ योर कोड बुक, ठीक है। वहां आप देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, देखो पहले ही नाम में दे दिया है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली सीधे, तो क्या कर रहा है कि वहां कुछ सेंटेंसेस दिए हैं ना। द किंग सेड यू आर माय ब्रेवेस्ट हीरो। हरक्यूलिस सेड आई मस्ट मेक सम शोल्डर पैड टू बी एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। द अबव सेंटेंस हैव द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। उसमें जो सेंटेंस में जो वर्ड्स कहे गए हैं वो डायरेक्टली जो बोल रहा है उसने खुद कहे हैं, तो ये क्या कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे क्या है, नीता सेड, नीता ने खुद कही आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। तो ये जो सेंटेंस है आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ये डायरेक्टली नीता ने खुद कही है, है ना। उसके बदले कोई और नहीं बोल रहा, वो डायरेक्टली खुद कह रही। और ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो एग्जैक्ट क्या है, जो नीता ने कही है, एग्जैक्ट उसके वर्ड्स है। तो यही कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, जो कि स्पीकर जो है वो जो वर्ड्स बोल रहा है एग्जैक्ट वर्ड जब वो हमें जैसे के वैसे मिले तो वो होते हैं हमारे डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस इन विच वी राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर, वी पुट द वर्ड्स विद इन इनवर्टेड कॉमास। अब डायरेक्ट सेंटेंस था, डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें हम वही सेंटेंस लेते हैं जो एग्जैक्टली स्पीकर ने कहा हो, ठीक है, वही कहलाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और हमेशा डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस रहता है वो इनवर्टेड कॉमास में रहता है, ओके, इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही रहता है। जैसे वहां कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आप लोग रीड करेंगे, एक मैंने यहाँ आपको बता दी, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ईच कैरेक्टर स्पीच स्टार्ट विथ अ न्यू लाइन, हर कैरेक्टर स्पीच जो है वो एक नई लाइन से शुरू होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ एक सेंटेंस दिया फिर वहां फुल स्टॉप लगा के वहीं से नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू कर दी, नहीं, हर सेंटेंस जो है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। एवरी स्पीच इज ओपन एंड क्लोज इन क्लोज विथ स्पीच मार्क, जो हर स्पीच जो है वो स्पीच मार्क यानी कोटेशन मार्क जो होता है हमारे इनवर्टेड कॉमास से स्टार्ट और एंड हो, ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ई सेंटेंस ऑफ स्पीच स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, हर सेंटेंस उसका क्या रहेगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट रहेगा। हर सेंटेंस में जो स्पीच का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ईच स्पीच एंड विद अ फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, और हर स्पीच जो है उसके एंड में अगर क्वेश्चन तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, अगर कोई कोटेशन है तो कोटेशन मार्क, और फुल स्टॉप तो आपका रहेगा, ठीक है। फिर है अ रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड इन एवरी सेंटेंस, और हर सेंटेंस में एक रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा, ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड, है ना। उसी तरीके से हम और एग्जाम्पल दिए, बायर सेड, सेल्समैन, आर्क सेल्समैन, इन्फॉर्म्ड, ये जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब्स, तो ये हमेशा डायरेक्ट स्पीच में यूज होगा। अब ये तो हो गए डायरेक्ट स्पीच के, जो स्पीकर है वो डायरेक्ट जो एग्जैक्ट जो वर्ड्स बोल रहे हैं हम उसी को लिखते हैं। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होता है, सेम सेंटेंसेस को देखो। द किंग सेड दैट ही वॉज हिज ब्रेवेस्ट हीरो, हरक्यूलिस सेड दैट ही मस्ट मेक सम शोल्डर पैड्स टू बी एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द अर्थ। अबव सेंटेंसेस आर रिपोर्टिंग व्हाट समवन एल्स सेड विदाउट यूजिंग दैट पर्सन्स एग्जैक्ट वर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई दूसरा पर्सन जो है वो सेंटेंस बताता है कि वो फर्स्ट पर्सन ने क्या कहा था, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताता है, बट उसने क्या कहा था वो बताता है, कोई दूसरा पर्सन, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट
सेड, ये डायरेक्ट था कि नीता सेड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, नीता डायरेक्ट कह रही। अब हम बता रहे हैं नीता सेड दैट, नीता ने कही दैट शी वाज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, नीता ने कही कि वो एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही है। और यहाँ क्या था कि नीता ने कहा कि मैं एग्जाम के लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पर चेंज हुआ ना, यहाँ नीता डायरेक्टली कह रही थी बट यहाँ नीता के बिहाफ में कोई और ये सेंटेंस को बता रहा है। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे कि डायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ऑल इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स आर ओमिटेड, जितने भी इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स रहेंगे वो हट जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। फिर ऑल फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन टू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस एंड इनडायरेक्ट, सारे जो टेंस रहेंगे वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर वॉज लग गया, आई एम वर्किंग हार्ड की जगह शी वॉज वर्किंग हार्ड, तो वॉज का मैटर है पास्ट टेंस में आता है ना, तो यहाँ टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रोनाउंस आर चेंज इन पर्सन, अब जो प्रोनाउंस है ये है प्रोनाउन, आई का चेंज हो गया शी में, प्रोनाउंस जो है वो चेंज हो जाएंगे इसमें कि आई चेंज होगा शी में और जो जो है वो चेंज होगी। ठीक है, कंजक्शन दैट इज एडेड बिफोर द इनडायरेक्ट सेंटेंस, देखो इनडायरेक्ट सेंटेंस के पहले कंजक्शन दैट जो है वो यूज होगा, यहाँ पे यहाँ दैट नहीं है बट यहाँ पे है, ये डायरेक्ट स्पीच और ये जो है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के पहले हम जो भी चेंज कर लेते हैं बट इसके बाद नीता सेड के बाद ये जो भी यहाँ रहेगा उसके बाद में दैट यूज होगा। ओके, फिर है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस इन डायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज इन टू वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। फिर वर्ड्स जो कि अभी टाइम और प्लेस बताते हैं डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होकर डिस्टेंस बताने लगते हैं। ठीक है, जैसे वहां दिया हुआ है एको बिकम बिफोर, एको जो है वो बिफोर में चेंज हो जाएगा, हियर बिकम्स देयर, हियर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, दीज बिकम्स दोज, दीज जो है वो दोज में चेंज हो जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे दिन, जैसे टुडे बन जाएगा दैट डे, है ना, टुडे अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा वो दैट डे, तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज होगा। अब कुछ डिफरेंस बिटवीन दिए हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, तो देखो डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स होते हैं, यहाँ सेंटेंस से आपको समझेंगे जल्दी समझ आएगा, डायरेक्ट स्पीच में क्या होते हैं कोटेशन मार्क्स, वही इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स नहीं होते, ये वाले मार्क्स इनडायरेक्ट में नहीं होते। ठीक है, यूज द सेम टेंस एज अ पर्सन हैज यूज, यहाँ पे सेम टेंस यूज किया जाता है जो पर्सन ने यूज किया है बट इनडायरेक्ट में जो टेंस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर डायरेक्ट स्पीच में हम सेम पर्सन को एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, सेम पर्सन को, और यहाँ हम चेंज कर देते हैं प्रोनाउन को भी, जैसे हमने ये सेंटेंस में किया है ना, आई जो है वो शी बन गया, आम था वहां पे आई एम वर्किंग हार्ड, यहाँ बन गया शी वॉज वर्किंग हार्ड, ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया ना इस तरीके से। फिर वहां कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फिर आपका है लेट्स ट्राई सिक्स, लेट्स ट्राई सिक्स में देखो क्या करना है हमको, हमें करना है चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, मैं आपको एक बता रही हूँ बाकी आप लोग ट्राई करेंगे करने का। और हाँ, अगर आप लोग को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में ना आए तो आप लोग वापस से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे द ऑफिसर सेड, जो सेकंड वाला है वो that